हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति। उसमें 6.1 एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है, उसमें tan थीटा 1 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें ढूंढकर बतानी है। सो लेट्स Solve it. Students, tan theta 1 दिया गया है। क्या आप जानते हैं tan 1 जो है वो tan कितने का वैल्यू होता है? 1 जो है वो tan 45 का वैल्यू होता है। सो tan कैंसिल, थीटा हमारे हाथ में आया 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थीटा का जो वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किया जाए, साइन थीटा हमारे पास आया 45 डिग्री, अगेन थीटा 45 डिग्री, सेक थीटा 45 डिग्री, कोसेक थीटा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें साइन 45 टेबल में चेक कीजिए तो 1/√2 होता है, cos 45 भी टेबल में चेक कीजिए 1/√2 होता है, sec 45 आपको टेबल में √2 मिलेगा और sec cosec 45 भी आपको टेबल में √2 मिलेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए आपके सेट में √2 का टेंशन है, तो हर एक एलिमेंट को, चारों को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कैंसिल, 1 बचेगा। यहां आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 कैंसिल, 1 बचेगा। यहां √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, यहां √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2। अब देखिए, 1 और 1 2 2 और 2 4, 2 से कट कर दीजिए तो 2 1 2 2 2 4, तो ये आपका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आइडेंटिटीज सर्वसमिका कहलाती हैं। अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला तो वो डायरेक्टली 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको मिला तो डायरेक्टली 1 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब रहेगा तो 1 नहीं होगा, ओनली साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो भी 1 नहीं होगा, अगर स्क्वायर रहेगा तो ही 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास, इसे स्टूडेंट्स आप इस तरह से याद रख सकते हैं, साइंस और कॉमर्स में से स्टूडेंट्स को एक ही मिलता है, साइंस और कॉमर्स में से स्टूडेंट्स को एक ही मिलता है, साइंस और कॉमर्स में से स्टूडेंट्स को एक ही मिलता है। नेक्स्ट है, sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सेकेंड की सुई जो होती है, सेकेंड इज अ टाइप ऑफ टाइम, सेकेंड एक प्रकार का टाइम है, सेकेंड एक प्रकार का टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहां पर स्टूडेंट्स आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कसाई, जो कसाई होता है वो बकरे को काटता है, तो कसाई होल्ड्स वन एंड कट इट, कसाई एक को पकड़कर काट देता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप थोड़ा बदल कर भी बताइए, मान लीजिए साइन स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं, कॉस स्क्वायर उस साइड लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर आपको कहीं भी मिले तो डायरेक्टली उसे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। एंड अगर साइन को उधर कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए बचेगा कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, 1 और ये साइन उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं भी आपको मिला तो आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रतिलोम याद करना है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, रिवर्स। तो आप देखिए,
sec का प्रतिलोम मीन्स रेसिप्रोकल s का c हो जाएगा, c से बनेगा cos, और cosec c का s हो जाएगा, s से बनेगा sin, ठीक है। तो s रहेगा तो c लिखिए, c रहेगा तो s लिखिए, s का उल्टा c, c का उल्टा s, sec theta is equal to 1 upon cos theta और cosec theta is equal to 1 upon sin theta, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अगर tan theta है कहीं भी तो आप उसे लिख सकते हैं sin theta upon cos theta, और अगर कहीं cot theta है तो आप लिख सकते हैं cos theta upon sin theta, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। sec की जगह पर आप 1 upon cos लिखेंगे, cosec की जगह पर 1 upon sin, tan की जगह पर sin upon cos, cot की जगह पर cos upon sin, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसे आपको याद करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मींस ये बायां पक्ष खाली लेंगे और इसे सॉल्व करके ऐसा दिखा देंगे। तो देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन समझिए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन, इसके नीचे कुछ नहीं था तो वन समझा गया, ठीक है। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वन इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू वन क्या साइन स्क्वायर, अब कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस इंटू वन कॉस थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे वन, तो यहां पर लिखा जाए 1 अपॉन कॉस थीटा। अब लिस्ट में देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके लिए होता है sec थीटा के लिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा, इस तरह से राइट हैंड साइड आ गया। तो यहां लिख देंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट से शुरू करके राइट हैंड साइड आ गया, दैट मींस आपने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, सिक्स्थ का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अब इसे सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स चेक कीजिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर आपने देखा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर किसके लिए होता है sec स्क्वायर के लिए, तो यहां पर आप लिखेंगे sec स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी से वैल्यू रखा 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर। अब बताइए cos स्क्वायर अपनी जगह पर sec, sec थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है 1 upon cos, तो यहां लिखेंगे 1 upon cos, लेकिन स्टाइल जो स्टाइल है वो स्क्वायर का है, तो यहां पर स्क्वायर लगाया जाएगा, तो sec स्क्वायर को लिखा गया 1 upon cos स्क्वायर, करेक्ट। इसके बाद में इसे कट किया जाए, cos स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर नीचे कट करने के बाद आंसर 1, और 1 मींस आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो यहां लिख देंगे राइट हैंड साइड, ये भी सॉल्व हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन, इसे भी हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड लिया गया 1 माइनस sin थीटा एंड 1 प्लस sin थीटा। स्टूडेंट अगर 1 माइनस 1 प्लस करके इस तरह से साइन या कॉस हो तो रैशनलाइज करना होता है, तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि रैशनलाइज का मतलब है नीचे वाले का साइन चेंज कीजिए, प्लस है ना तो माइनस ले लीजिए और ऊपर नीचे माइनस से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया। मैथ्स में हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए ऊपर बिल्कुल सेम है हूबहू, तो हम ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, हूबहू चीज दो बार है, सेम टू सेम चीज दो बार है मींस स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर जैसे है वैसे ही कॉपी किया जा रहा है, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1
और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, ऊपर फिर कॉपी कर रहा हूं मैं, वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर आपके पास लिस्ट में है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया गया, कॉस स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल, तो ऊपर बचता है वन माइनस साइन थीटा और नीचे बचता है ओनली कॉस थीटा, मींस दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दिया गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। अब दोनों के नीचे कॉस दीजिए, ये बेस दोनों का माना जाएगा, तो वन के नीचे भी कॉस माइनस साइन के नीचे भी कॉस, ठीक है। अब बताइए वन अपॉन कॉस किसका होता है, सेक का, और साइन अपॉन कॉस किसका होता है, टैन का, बरोबर। तो वैल्यू रखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो ये भी हमने प्रूव किया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। सो आप उठाइए पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sec थीटा माइनस cos थीटा एंड cot थीटा प्लस tan थीटा। बताइए स्टूडेंट्स sec का मेन आपने क्या सीखा है, वन अपॉन cos, तो यहां लिखूंगा मैं वन अपॉन cos माइनस cos थीटा। cot का मेन आपने क्या सीखा है, cot का cos अपॉन sin, तो यहां लिखा जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर tan का क्या सीखा आपने, tan का सीखा है sin अपॉन cos, तो यहां लिखेंगे sin अपॉन cos। अब सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री टाइम्स वन इंटू वन वन माइनस cos इंटू cos cos स्क्वायर, नीचे cos थीटा इंटू वन cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर भी थ्री टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन इंटू कॉस, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। अब आगे सॉल्व कीजिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए आपने देखा है वन माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिखा जाएगा, तो इसे वन लिख दीजिए, बचता है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। आगे बढ़िए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर है मतलब साइन यहां पर दो बार है, तो मैं इसे दो बार लिख देता हूं, साइन एक बार साइन दो बार, साइन दो बार है और क्या है वन है, नीचे क्या है कॉस थीटा है फिर साइन थीटा है फिर कॉस थीटा है, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे। अब कट कीजिए स्टूडेंट्स, तो कट किया जाए, साइन थीटा से कैंसिल और कैंसिल अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चेक कीजिए क्या बचा, साइन अपॉन कॉस और वन अपॉन कॉस, यहां लिखता हूं मैं साइन थीटा इंटू वन बचा है और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है ना स्टूडेंट्स, साइन इंटू वन ऊपर बचा है कॉस इंटू कॉस नीचे बचा है, इसके दो टुकड़े कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा। अब लिस्ट में चेक कीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं टेन थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा। इस तरह से राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया मतलब सॉल्व, ओके स्टूडेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, इसे प्रूव करने के लिए फिर आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब लिस्ट से फॉर्मूले से वैल्यू बताइए, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देख लीजिए कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए थ्री टाइम्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है वन, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिख सकते हैं। नीचे रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके दो भाग कर दीजिए, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन स्टाइल में तोड़ेंगे। वन को क्या लिख सकते हैं वन इंटू वन, साइन कॉस को अलग अलग लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा। ये और ये दोनों चीज सेम है, सिर्फ उसकी स्टाइल उसका पैटर्न अलग किया गया। वन अपॉन साइन किसका है कोसेक का, सो यहां आ जाएगा कोसेक, और वन अपॉन कॉस किसका है सेक का, तो यहां आ जाएगा सेक। देखिए कोसेक और सेक आ गए, मतलब आपका राइट हैंड साइड आ गया। ओके, आपको सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।